फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉबिन केस की प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होती है और बॉबिन केस जब ढीला हो जाए तो उसे हम कैसे टाइट करें। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉबिन केस हमारा ढीला हो जाए तो इसे फेंकें ना, क्योंकि ये भी काम में आ सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़े अच्छे तरीके से अगर इसकी रिपेयरिंग करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं इससे प्रॉब्लम क्या आती है। नीचे की सिलाई ख़राब आना या ऊपर की सिलाई ख़राब आना या धागा तोड़ना मेन चीज़ होती है। हमारी मशीन बॉबिन केस बिल्कुल धागा बिल्कुल ढीला देती है, इसकी वजह से हमारी बहुत सी प्रॉब्लमें मशीन में आ जाती हैं। तो चलिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है और बॉबिन केस की प्रॉब्लम को 100% बिल्कुल सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और आपकी बॉबिन केस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लमें का सलूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को स्किप करके ना देखें, काट काट के अगर आप देखेंगे तो फिर कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है और हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी माताएं बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप लोग बताएं आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट है, अगर आपकी बाई चांस कोई कमेंट है तो करें। होती है जैसे कि हम इसे पकड़ते हैं धागे को और इसे छोड़ते हैं तो ये नीचे गिर जाती है, कुछ इस तरीके से ही हमारी बॉबिन केस हो जाती है। यानी कि हमारी बॉबिन केस ऊपर की सिलाई ख़राब देती है, फिर नीचे की भी सिलाई ख़राब देती है और धागा बहुत ही ढीला ढीला देती है बॉबिन केस की प्रॉब्लम की वजह से। और हम लोग क्या करते हैं, बॉबिन केस को फेंक देते हैं। तो फेंके नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस तरीके से आपको बॉबिन केस को खोल लेना है। इस तरीके से आपके पास नाखून है तो नाखून से खोल लें, पेंचकस है तो पेंचकस से खोल सकते हैं, देख सकते हैं पेंचकस, इससे भी छोटा पेंचकस आता है उससे भी आप खोल सकते हैं। तो बॉबिन केस को इस तरीके से खोल लें, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खोलें और ध्यान रखें ये वाला पेंच हमारा खोना नहीं चाहिए। अगर ये पेंच खो गया तो फिर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से पेंच को खोलकर इस तरीके से इस साइड रख लें। ध्यान रखें अगर पेंच खो गया तो फिर कोई बॉबिन केस नहीं ठीक हो पाएगा। तो चलिए, अब क्या होता है कि हमारे बॉबिन केस में यहाँ पर निशान आ जाता है, यहाँ पर निशान आ जाता है, कट का निशान आ जाता है, जो कि धागे की वजह से ऐसा होता है। धागे की वजह से हमारी बॉबिन केस में निशान हो जाता है, यहाँ पर भी निशान आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेंचकस से या किसी से भी इस तरीके से आप इसे यहाँ पर खुरच लें, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से निशान बना लें इस तरीके से, तो हमारा जो यहाँ पर धागा ढीला चल रहा है वो टाइट हो जाएगा। इस तरीके से निशान बना लें, ऐसे करके निशान बना लें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर निशान बन जाते हैं, यहाँ पर भी निशान हो जाते हैं, तो उसे हम फर्श पे या प्लाई बोर्ड पे इस तरीके से रगड़ लेंगे, इस तरीके से अच्छे से रगड़ लें, ऐसे करके रगड़ लेंगे, इस तरीके से रगड़ लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पत्ती को थोड़ा इस तरीके से मोड़ लेना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का सा दबा लेना इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ऐसे ऐसे करके इसे फिर इस तरीके से इसे कस लें, इस तरीके से कस लें, थोड़ा ध्यान से कसें, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें हमारा बॉबिन केस टाइट हो चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से। और टाइट करना है तो अपने नाखून से और पेंच को टाइट कर लें। तो गाइस, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो एक पहला तरीका था जो कि पत्ती को खोलकर हमने ठीक किया। लेकिन अगर अब दूसरा तरीका आपको बताएं तो दूसरा तरीका आपको पत्ती को खोलना भी नहीं पड़ेगा और ईज़िली आप बॉबिन केस को ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ही ढीला नहीं होगा ना ही बिल्कुल टाइट होगा। अगर तो आपको क्या करना, सबसे पहले पत्ती को लूज कर लेना, इस तरीके से बिल्कुल ढीला कर लेना, तब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे इसे ठीक करना है। सबसे पहले पत्ती को बिल्कुल लूज कर लें, फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे आपको क्या करना है, कहाँ से करना है। तो चलिए, पत्ती को मतलब बॉबिन केस की पैच को बिल्कुल ढीला करने के बाद
ध्यान रखें सबसे पहले बॉबिन केस को जितना ढीला हो सके बस खुले ना, खुल के निकले ना, बस इतना ढीला कर लें। उसके बाद जहाँ पर जो पत्ती जहाँ से धागा क्रॉस होता है वहाँ पर पीछे से सपोर्ट देकर ऊपर से ठोंक मारें, ढीला करने के बाद ठोंक मारें। और इसके बाद क्या करना है, फिर हमें इसे कस लेना है पेंच को। ध्यान रखें सबसे पहले ठोंक मार लें, सबसे पहले ढीला करना है, ढीला करने के बाद पत्ती के ऊपर ठोंक मारना है, सो वो भी पीछे सपोर्ट देने के बाद किसी चीज़ की जैसे कि हमने दिया था। और इसके बाद फिर टाइट करें तो आपका इजीली पेंच टाइट हो जाएगा और कभी भी ढीला नहीं होगा और आप घर बैठे अपने मशीन की रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी माताएं मैंने भैया वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।